वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स, एंड इट्स अ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो कुछ स्टेप्स भी हम फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार रिकैप्चर करता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या क्या हमको सावधानियाँ प्रिकॉशंस तो भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले स्टेप्स एक बार रिकैप करते हैं। पहले सबसे पहला काम करते हैं, जब एक्सपेंडिचर मेथड्स निकालते हैं नेशनल इनकम मेजर करना होता है तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिक यूनिट्स जहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है, कहाँ कहाँ फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है। उन सारे इकोनॉमिक यूनिट्स को जहाँ पर हम फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसको हम क्लासिफाई चार ग्रुप में करते हैं। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम चार ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर, तीसरा प्रोडक्शन सेक्टर और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसके बाद हम फाइनल एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि जैसे कि हम लोग देखा है कि फार्मूले में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स आते हैं। तो इन सब को क्लासिफाई हम कर लेते हैं और इन सब का जोड़ हमारा आता है GDP MP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर निकला जाता है हमेशा एक्सपेंडिचर मेथड। स्टेप तीसरा स्टेप होता है कैलकुलेट करना डोमेस्टिक इनकम को, मतलब NDPFC को। NDPFC निकालना बहुत ही आसान होता है, अगर GDP MP में से हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो NDPMP आ जाएगा, और NDPMP में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा NDPFC आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप होता है कि NDPFC में अगर हम NFIA मतलब NFIA को जोड़ना, एस्टिमेट करना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम, मतलब NFIA को अगर जोड़ देंगे NDPFC में तो हमारा वो हो जाएगा NNPFC। तो ये हमारे चार स्टेप्स में हमको सबसे पहले देखना होता है, चार स्टेप्स फॉलो करते हैं तब हमारा NNPFC मतलब नेशनल इनकम निकल कर आ जाता है। अब प्रिकॉशंस, सब बहुत ज़रूरत है प्रिकॉशन को, बच्चे जब पढ़ते हैं तो प्रिकॉशन को बहुत अंडर वैल्यू करते हैं और उसको नहीं पढ़ते हैं। मैं जो फेस कर पा रहा हूँ कुछ बच्चे, जैसे हमारा कुछ बच्चे हैं जो कि उसको नहीं समझते हैं और उनको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, टीचर ऐसे बोल रहे हैं, उसको ध्यान इग्नोर करते हैं और बाद में ही नासूर बन जाता है। तो प्रिकॉशंस को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला हमारा है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हम जानते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन ही हम करते हैं फाइनल गुड, फाइनल की बात करते हैं हमेशा फाइनल गुड की बात करेंगे तो एज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, इफ इट इज इंक्लूडेड अगेन इट विल लीड टू अ डबल काउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम इंटरमीडिएट को भी लें तो वो चूँकि फाइनल जो गुड के ऊपर एक्सपेंडिचर जो होता है तो उसमें तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया है उसकी वैल्यू तो हम अवॉइड करेंगे इसको, अवॉइड करेंगे, बिल्कुल नहीं लेना है इसलिए कि डबल काउंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये हर मेथड में देखते हैं कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो पेमेंट होता है सच पेमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन। जब भी हाउस होल्ड और फर्म जो सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं तो उसमें हाउस होल्ड फॉर पहले इन सब चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर टुगेदर दे वर्क एंड ए प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन का जब तक काम नहीं होगा तब तक वो चीज़ हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं हो सकती है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड एज सच पेमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देर इज़ नो वैल्यू एडिशन। तीसरा पॉइंट है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो सेकेंड हैंड गुड होती है एज सच एक्सपेंडिचर हैज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड वेन देयर वेर ओरिजिनली परचेज सच गुड्स डोंट अफेक्ट द करेंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ एवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज
on such goods is included as it is a payment made for productive services. तो आपने जो मेहनत किया है यहाँ पर ना, ब्रोकरेज चार्ज, कमीशन चार्ज, ये सब जो है ना मेहनत है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं. बट एज सच जो सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं, क्योंकि उनका जिस साल इनका प्रोडक्शन होता है उस साल के सर्कुलर फ्लो का हिस्सा बन जाती हैं, इसलिए उनको उसी साल में ऐड करते हैं. बल्कि सेकेंड हैंड गुड को हम जब सेल परचेज दूसरे साल होगा, चार साल बाद, पाँच साल बाद होगा, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते. अब हम आते हैं चौथे पॉइंट्स की तरफ. तो हमारा चौथा पॉइंट कहता है कि परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, अब फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स का हिस्सा बनती हैं. तो फाइनेंस क्या कहता है चौथा पॉइंट, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. तो ये जो शेयर का परचेज करना, डिबेंचर का परचेज करना या बॉन्ड का परचेज करना, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं. एज सच ट्रांजेक्शन डोंट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इनका कोई योगदान नहीं होता है. ये केवल पेपर ट्रांसफर है, पेपर का ट्रांजेक्शन हो रहा है. दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मियर पेपर क्लेम्स एंड इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ टाइटल ओनली. हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच फाइनेंशियल एसेट्स इज इंक्लूडेड एज इट इज प्रोडक्टिव सर्विसेज. ठीक है. हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज, कोई भी कमीशन हो और ब्रोकरेज हो, सच फाइनेंशियल एसेट्स इज इंक्लूडेड एज इट इज प्रोडक्टिव सर्विसेज. ठीक है. कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज होगा सच फाइनेंशियल एसेट्स इज इंक्लूडेड. ठीक है. जिस अभी तक गुड्स एंड सर्विसेज का ब्रोकरेज चार्ज, कमीशन चार्ज की बात हो रही थी, तो जो भी कमीशनों का ध्यान रखिएगा, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स का हो या गुड्स एंड सर्विसेज का हो, अगर कोई कमीशन है, ब्रोकरेज है, मतलब वो मेहनत कमाई हो रही. ठीक है. तो मेहनत हो रहा है मतलब, तो वो इंक्लूड किया जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन. ठीक है. इसको ध्यान देंगे, लाइक प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ठीक है. अपने कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, समझ से मेरा मकान यहाँ पर है तो उस मकान में मैं रहता हूँ, तो हम जो कुछ भी यहाँ पर हमारा किराया, अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो कुछ किराया देते हैं, ऐसा मान के हम उसके उसको हम इंक्लूड करते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, फ्री सर्विस फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. तो फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, सरकार जो है सर्विस सेक्टर में भी है, सरकार प्रोडक्शन का भी काम करती है और सर्विस प्रोवाइडर भी होती है. फ्री सर्विसेज जैसे पार्क है, ये सब चीज़ें जो सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं. तो फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस दीज आर प्रोडक्टिव सर्विसेज. तो इस तरीके से हमारा ये पांच प्रिकॉशंस में हमने इसको कन्फाइंड करने का प्रयास किया है. और इसको अगर हम रिकॉन्सिलिएशन ऑफ थ्री मैथड्स, सिंस ऑल द थ्री मैथड्स आर यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ द सेम फिजिकल आउटपुट, दे विल प्रोवाइड द सेम नेशनल इनकम. द फॉलोइंग चार्ट शोज द रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द थ्री मैथड्स यूज फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. तीनों का एक कंपेरेटिव अध्ययन दिया गया है. वैल्यू एडेड मैथड में क्या होता है, यह हमेशा एमपी पर ये भी निकल आता है, इनकम मेथड एफसी पर निकल आता है और एक्सपेंडिचर मेथड एमपी पर निकल आता है. इसमें हम जीबीएमपी निकालते हैं जो कि जीडीपी एमपी के बराबर होता है. इसमें हम एनडीपी एफसी निकालते हैं बेस फॉर्मूले में, एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एमपी निकालते हैं. देख लीजिए आपको यहाँ वैल्यू एडेड मेथड में जीबीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीबीएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जीबीएमपी ऑफ थर्ड सेक्टर, ये सब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तीनों मिलकर जीबीएमपी ऑफ इकोनॉमी बन जाते हैं, वो जीडीपी एमपी के बराबर होता है. इनकम मेथड में क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई प्लस ओएस, अब ओएस सॉरी सीओई प्लस ओएस, ओएस का पार्ट देख लीजिए, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. फिर प्रॉफिट के भी कंपोनेंट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड डिविडेंड, प्लस मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ये सब मिल जाते हैं तो एनडीपी एफसी बन जाता है. एनडीपी एफसी एलएफआई जोड़ दिया तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट बन गया, नेशनल प्रोडक्ट बन गया. इसी तरह यहाँ भी था, अगर ये जीबीएमपी हो गया, जीबीएमपी में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये जीडीपीएमपी बन गया, और इसमें से डिप्रेशन माइनस किया तो एनडीपीएमपी बन गया, एनडीपीएमपी में से एनआईटी माइनस किया तो एनडीपीएफसी हो गया, एनडीपीएफसी में एनएफआई जुड़ दिया तो एनएनपीएफसी हो गया. इस तरह यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. इनकम मेथड का तो डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी हो गया,
और इसमें NFI जोड़ दिए तो नेशनल इनकम NNPFC हो गया। इधर एक्सपेंडिचर मेथड में अगर देखें, एक्सपेंडिचर में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये हमारा हो गया GDPMP। GDPMP में से डिप्रेशन माना गया तो NDPMP, NDPMP में से इंडायरेक्ट टैक्स नेट टैक्स माफ किया गया तो NDPFC बन गया। डोमेस्टिक NFI जोड़ दिया तो नेशनल इनकम बन गया, NNPFC बन गया।